एवरीवन, वंस अगेन ममता सचदेवा इज़ हियर टू टॉक टू यू अबाउट, हमने टॉप ऑफ डिसेंट की ऑलरेडी बात कर ली है कि टॉप ऑफ डिसेंट किसको कहते हैं और टॉप ऑफ डिसेंट पे क्या क्या ड्यूटीज़ एज एन कैबिन क्रू आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं. अभी हम बात कर रहे थे कि 10 मिनट्स टू अराइवल, मतलब 10 मिनट्स टू टच डाउन से पहले आपको अपनी सीटों में बैठ के अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है जब आप कैबिन सिक्योर अपनी मैनेजर को पास कर देते हैं. तो आपने अब अपना कैबिन सिक्योर पास कर दिया, कैबिन मैनेजर ने कैबिन सिक्योर कैप्टन को पास कर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आप अपनी जंप सीट पे बैठ के सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं. इस टाइम को हम कभी कभी अलर्ट भी कहा जाता है. उस टाइम कैबिन क्रू को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि लैंडिंग के वक्त कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो सकती है जिसमें उनको जो भी ट्रेनिंग दी गई है वो उनके काम आ सकती है. तो आप ऐसा नहीं है कि आप लैंडिंग के वक्त अपनी जंप सीट पे बैठे हैं. जंप सीट होती है बेसिकली कैबिन क्रू की एक सीट, जो जंप सीट होती है, जो बेसिकली जब आप बैठते हो तो वो खुलती है, लेकिन जब आप उससे उठ जाते हो तो वो पीछे को बंद हो जाती है बेसिकली. तो इसलिए उसको जंप सीट कहा जाता है जिसपे कैबिन क्रू टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बैठते हैं. नोट कर लें, उसको जंप सीट कहा जाता है. तो आप अपनी जंप सीट पे, अगर आपके कुलीग्स भी आपके आसपास बैठे हैं तो आपको उनसे कोई भी गॉसिप अराउंड या बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेक ऑफ एंड लैंडिंग सबसे क्रिटिकल टाइम होता है एयरक्राफ्ट का. इमरजेंसी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई तकनीकी खराबी हो सकती है. तो आपको ये चाहिए और आपकी ये ड्यूटी है कि आप उस वक्त सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचें. लैंडिंग होने के बाद जब तक एयरक्राफ्ट पूरी तरह से रुक नहीं जाता, पैसेंजर्स को खड़े होने की इजाजत नहीं होती. और सेम फॉर द कैबिन क्रू, आपको भी अपनी सीटों में सीट बेल्ट्स पहन के बैठे रहना चाहिए. जब आपका एयरक्राफ्ट पूरी तरह से रुक जाता है एयरपोर्ट पे जाकर, उसके बाद जब कैप्टन पीए करता है आप उठ सकते हो अपनी सीटों से. उसके बाद पैसेंजर्स अपना अपना सामान लेके एयरक्राफ्ट के द्वार के द्वारा निकलना शुरू हो जाते हैं. तो वो डोर जो भी खुला होता है उस डोर से वो धीरे धीरे निकल जाते हैं. पैसेंजर्स के निकलने के बाद भी आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती. उसके बाद वंस अगेन आपने अपने एरियाज में ये चेक करना है कि किसी का कोई सामान पीछे छूटा तो नहीं, कोई ऐसी चीज तो पीछे नहीं छोड़ के गया जो एयरक्राफ्ट को कोई भी टेक एन एग्जाम्पल, कोई हथियार या कोई बुरी चीज जो आपके एयरक्राफ्ट का नाम खराब कर सकती है, आपकी एयरलाइन का नाम खराब कर सकती है एंड ऑल दैट. तो आपको एक बार फिर से अपने एरिया में वही दोबारा से चेक्स उनके पीछे से करने पड़ते हैं अपने अपने एरिया में. तो उसके बाद आप दोबारा से अपनी मैनेजर को वो सारे चेक्स पास करते हो. उसके बाद आपकी ड्यूटी